नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं मेरे भोपाल के दोस्तों आप लोग। और आज हम लोग का ब्लॉग है महिंद्रा XUV 700 का। तो हम आपको आज शोरूम पे ले जाएंगे, जहां पे हम आपको XUV 700 के बारे में सब कुछ डिटेल्स देंगे और बहुत सारी चीज़ें और भी बताएंगे जो लोगों ने नहीं देखी हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। तो फाइनली गाइज, आज हम लोग महिंद्रा XUV 700 बुक करने जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और आपको एक और चीज दिखाता हूं मैं यहाँ पे, एक बाप रे बाप, सॉफ्ट टॉप पॉश। ये बहुत ही कम है भोपाल में। बॉक्सर, ओहो, लोग यहां से एक वन वे, जबकि वन वे पे भी आप यू टर्न में आ रहे हो यार, समझ में ही नहीं आ रहा। रिवर्स रॉन्ग साइड। तो फाइनली गाइज, हम लोग महिंद्रा के शोरूम में पहुंच चुके हैं और इन लोगों ने यार जितना वेट करा दिया है ना XUV 700 के लिए, क्या बात है यार। एक साल की वेटिंग दी हुई है यार अभी अभी में। बताओ, अगर आप आज बुक करोगे तो आपको एक साल बाद व्हीकल मिलेगा। एक मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा रेयर एक और व्हीकल दिखाता हूँ यहाँ पे, बोलेरो की जो स्ट्रिंगर है या क्या है, स्टिंगर है ना। हाँ, तो ये एक्चुअली महिंद्रा वालों ने खुद ही मॉडिफाई करके एक गाड़ी बनाई है जो कि अब आउट ऑफ स्टॉक रहती है और ये लोग नहीं बनाते, क्योंकि महिंद्रा की एक बुलेरो जो कि है नई नियो करके एक नई आई है। और ये हम महिंद्रा के शोरूम पे हैं। और वैसे तो इन लोगों ने मुझे एक गाड़ी ऑफर की हुई है जो कि XUV 700, ये मैनुअल ट्रांसमिशन, बट अपन को इसमें ऑल व्हील ड्राइव चाहिए जो वेरियंट है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन है जो इन लोगों ने मुझे ऑफर किया हुआ है। तो ये गाइस XUV 700 है, बट ये मैनुअल ट्रांसमिशन में है। मैनुअल ट्रांसमिशन में बहुत सारे फीचर्स कम होते हैं, जैसे जूम मोड इसमें नहीं है और बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं है। बाकी तो सब है, मेमोरी सीट्स एंड ऑल सब है, बट मैं आपको अभी ऑटोमेटिक जहाँ पे इनके स्टॉक में खड़ी होगी तो मैं अभी आपको ऑटोमेटिक का एक वो करवा देता हूँ। वैसे इसमें भी 360 डिग्री कैमरा एंड ऑल सब अवेलेबल है। तो आज हम लोग AX7 लग्जरी पैक XUV 700 के सामने है और हमारे साथ हैं कामरान भाई, जो कि हमें गाड़ी के बारे में पूरा स्पेसिफिकेशंस देंगे और बताएंगे। तो भैया, ये कौन सा मॉडल है, क्या है ये? AX7 लग्जरी पैक है। ओके जी, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है जो आपके सामने खड़ा हुआ है लग्जरी में। ओके, इसमें आपको एडास सिस्टम आ जाएगा, एलेक्सा आ जाएगा, एजिनॉक्स। एडास फीचर का मतलब क्या, मतलब मेन स्पेसिफिकेशंस क्या हैं एडास फीचर्स के, मतलब क्या क्या आप उसमें देते हैं? एडास में आपको मेन चीज़ ये आ जाएगी, एक्स्ट्रा जो फीचर आ रहा है इसमें एडास में, ये है कि जो जब गाड़ी आपकी ऑन रोड पे चल रही है, ओके, और उसके बाद जो जैसे आप एडास क्रूज सिस्टम जो ऑन करते हैं, ओके, क्रूज सिस्टम ऑन करने से इसके सारे फीचर्स एक्टिव हो जाएंगे एडास के। ओके, इसमें फिर जो आप गाड़ी आपकी पूरी सेंस कर लेगी आपके आसपास कौन सी गाड़ी है या कोई चीज़ है। अच्छा, तो मतलब गाड़ी आगे का जो भी आगे गाड़ी चल रही होगी उसे वो लोग क्या करेंगे, टारगेट करके एक गाड़ी के पीछे चलने लगेगी, मतलब ऐसा सेंस कर लेगी आप। ओके, गाड़ी सेंस कर लेगी खुद ही कि सामने वाली गाड़ी एकदम ने ब्रेक लग गई या उसको स्पीड कम हो गई, तो उसको सेंस करके आपकी गाड़ी जो है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग ब्रेक लग जाएगा या फिर उस हिसाब से स्पीड आपकी कम हो जाएगी। अच्छा भैया, इसमें मैंने सुना था कि एडास फीचर में लेन असिस्ट फीचर भी है। लेन असिस्ट फीचर ये बहुत अच्छा फीचर है, जैसे अगर गाड़ी चलाते टाइम अगर आप ड्राउजीनेस में या कुछ है, अच्छा, तो लेन को कनेक्ट करके लेन को, अच्छा, तो ये गाड़ी ड्राउजीनेस में भी मतलब आपको डिटेक्ट कर लेगी कि आप ड्राउजी हो या आपको नींद आ रही है, तो उसमें क्या करती है गाड़ी, जैसे आप नींद आ रही है, जैसे आपको काफी देर तक इसमें मीटर दिया हुआ है, हाँ, तो जब मीटर अगर रेड हो जाता है, हाँ, तो उसमें आपको अलर्ट करती है। ओके, इतना अलर्ट करती है कि आप इरिटेट हो जाएंगे। ओके, और फिर भी अगर आप नहीं जैसे टच करते गाड़ी या नहीं लगाते,
तो फिर गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी बंद हो जाएगी 15 मिनट के लिए। ओके, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, मतलब अगर वो रनिंग कंडीशन में है तो कैसे बंद होगी? रनिंग कंडीशन में सिंस लाइक जब आपको इतना वो अलार्म देगी, इतना इरिटेट करेगी, तो आपको गाड़ी साइड में लगाना पड़ेगा। ओके, फिर आप ब्रेक हो जाएंगे उससे। ओके, गाड़ी जब बंद होगी तो वो 15 मिनट का आपको कॉफी ब्रेक लेना पड़ेगा। और भैया इसकी बूट स्पेस और इंजन स्पेसिफिकेशंस आप हमें थोड़ा सा और बताइए, इसे इसमें कितने लीटर की बूट स्पेस है? इसमें 570 लीटर का बूट स्पेस आता है। ओके, और जैसे अगर उसको अपन नीचे करते हैं, हाँ हाँ, जैसे इसमें भी काफ़ी स्पेस है। अगर अभी सीट आप नहीं भी करोगे तो आप यहाँ पे 2 बैगेज अपना कैरी कर सकते हो, और इसके बाद तो खैर स्पेस ही स्पेस है, और इसके बाद भी बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। और जहाँ तक कि हम लोग सुनने में आ रहा था कि इस गाड़ी का जो बूट है ये फाइबर का है, बट ये बहुत ही हाई टेंसाइल फाइबर का है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फाइबर से ये चीज़ जज करें कि ये चीज़ टफ नहीं है। ये बहुत टफ है, और अलग से गाड़ी बहुत ज़्यादा मतलब कसी हुई लग रही है अलग ही। ओहो, तो ये अपने आप पीछे हो जाती है जैसे ही गेट खुलता है। ओके, वेलकम सीट्स है। ओह देन ये वापस आगे भी हो रही है खुद ही से, तो ये मेमोरी सीट का फीचर है यहाँ पे। ओके, ये है ऑटोमेटिक वेरिएंट। हाँ भैया जी, तो सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, वरना यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वार्निंग देगी। तो हम लोग अभी XUV 700 ऑटोमेटिक वेरिएंट AX7 लग्जरी के अंदर हैं, तो भैया आप इसके थोड़े से हमें फीचर्स अंदर से गाइड करिए। जैसे ये ड्यूल टोन एसी है। ओके, ड्यूल टोन एसी में अगर जैसे आपकी तरफ आपको हीटर चाहिए, ओके, तो आपकी तरफ हीटर हो जाएगा, और मेरी तरफ ये सेम एज इट इज कूलिंग रहेगी। ओके, मतलब दोनों कंपार्टमेंट में अलग अलग मतलब कूलिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो फिर ये आपका डिस्प्ले दिया हुआ है पूरा, इसमें आपको एलेक्सा मिल जाएगा। ओके, जो आपके हर कमांड पे आपको अग्री करेगा, और वो चीज़ आपकी चालू हो जाएगी। जैसे अपन बोलेंगे अलेक्सा ओपन सनरूफ, सनरूफ ओपन हो जाएगा। अलेक्सा प्ले म्यूजिक। हाँ, हियर्स हंगामा म्यूजिक। इसमें इनबिल्ट है एप्लीकेशन है हंगामे म्यूजिक की। ओके, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आता है कंपनी से। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा से। हाँ, अलेक्सा का। ओके, अच्छा ये महिंद्रा की तरफ से ही है। ये महिंद्रा की, और इसमें सोनी के शायद ओरिजिनल सिस्टम मेरे को यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा है। आपको लक्जरी मॉडल में मिलेगा सोनी के स्पीकर्स, 12 स्पीकर है, 3D म्यूजिक सिस्टम के साथ है ये। ओके जी, बाकी जो भी है इसके वेरिएंट, और एक शायद सब वूफर भी आगे लगा हुआ दिख रहा है। ऑल ओवर इसमें लगे, ऊपर भी है नीचे भी है। ओके, तो आप देख सकते हैं 1-2 ऐसे मतलब 12 स्पीकर्स यहाँ पे सोनी का इंफोटेनमेंट दिया हुआ है अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसका क्लस्टर भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ के व्हीकल इन्फो पे जाके डिस्प्ले आउटलेट, अब जैसे आपको ये सब चीज़ें ज़्यादातर नहीं देखनी हो, आपको मिनिमल देखना हो, तो मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। तो आप देखिएगा कितने प्यारे तरीके से इसने अपना क्लस्टर चेंज करके मिनिमल पे आ गया। तो आइए हम लोग एक इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, और टेस्ट ड्राइव लेते लेते भैया कुछ अच्छे और कूल फीचर्स जो हैं हमें एक्सप्लोर कराएंगे इस गाड़ी के। चलिए तो फिर, तो आप देख सकते हैं अभी स्टेयरिंग इसका ना खुद ही चल रहा है, क्योंकि ये अभी लेन असिस्ट फीचर पे है ना भैया, इसलिए शायद ये चल रहा है ना। और ये ऑटोमेटिक, ये देखिए अब इसने मेरे को बोल दिया है कीप हैंड्स ऑन स्टेयरिंग व्हील, कॉज इंडियन ड्राइविंग भैया लोग कैसे चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, इसके कारण बेचारे उन लोगों ने एक फीचर दिया हुआ। ये देखिए लेन असिस्ट में आपको इस लेन से बाहर जाने नहीं देगी गाड़ी। ओके, मतलब ये एक लेन में ही आपको, मतलब ये प्रॉपर देखा जाए तो एक हाईवे का फीचर है, हाईवे का ही, क्योंकि इंडियन ड्राइविंग जो है आप देख रहे हो बीच में चल रहा है, लोग ज़्यादातर लोग यहाँ बीच में ही चलते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरीके से मतलब पूरा चल रही है, मतलब मेरे को कुछ हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, बट वो बोल रहा है जैसे आप अपने हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखिए। ये थोड़ी देर तक आपको सेंस करेगा, जब तक अगर आपके हाथ नहीं है स्टीयरिंग पे। ओके, तो उसके थोड़ी देर बाद में 15 मिनट बाद आपको आप लोग
ये स्टेयरिंग व्हील ऑटोमेटिकली पूरा वर्क कर रहा है क्योंकि इसमें लेन असिस्ट का फीचर अभी ऑन है, और इसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम का भी है भैया। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम का भी है हाँ, ये अभी महिंद्रा हाँ किसके थ्रू? जैसे आप क्रूज सिस्टम ऑन कर देंगे ओके, तो वो क्रूज के थ्रू ऑन हो जाएगा और एक डिस्टेंस बना लेगा व्हीकल से, जो सामने व्हीकल जा रही है। अच्छा, उसको सेंस करके एक डिस्टेंस बना के मेंटेन करके चलेगा। ओके, और फिर वो 360 डिग्री कैमरा उसी में यूज होता है। ओके, तो यार बहुत ज्यादा स्मूथ, मतलब ये गाड़ी है देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ, और इसमें पावर की बात करी जाए तो पावर भी अच्छा खासा दिया हुआ है, मतलब 182 bhp यार बहुत होता है, इनफ है, और इस सेगमेंट के लिए और इस प्राइसिंग रेंज में तो बेस्ट ही है यार। और इसमें भैया 360 जो कैमरा है, एक बार आप हमें चलते में ऑन होगा क्या? ऑन हो जाएगा, एक बार आप दिखाओ। 360 डिग्री कैमरा है इसका। ओके, मैंने ऑन कर दिया 360। ओके, ये आपकी व्हीकल आ गई पूरी। ओके, ये पूरा आसपास का दिख रहा है आपको 360 डिग्री। ये गाड़ी ने अभी खुद ही ब्रेक मारा है, मैंने कोई ब्रेक नहीं लगाया, ना मैंने स्टेयरिंग पे हाथ लगाया था, अब जाके मैंने स्टेयरिंग पकड़ा है, बिकॉज 30 के नीचे ये एडास वर्क नहीं करता है, सिर्फ ब्रेकिंग आपकी होगी, पर लेन असिस्ट फीचर आपका ऑफ रहेगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। ओके, ये बैक व्यू आ गया, ये फ्रंट व्यू आ गया, प्लस इसमें ये आ गया, ये आपके विंडशील्ड के ऊपर जो कैमरा लगा है। ओके, ये वो है, ये आपके जो पीछे वाले रियर के ऊपर लगा है। ओके, जो मतलब कोई नियरेस्ट आपकी कोई व्हीकल पीछे खड़ी हो तो आपको पता लगेगा। क्रूज सिस्टम आपका इसमें जो एडास सिस्टम है वो पर्टिकुलरली इन सब फंक्शंस के ऊपर भी काम करता है। ओके, हर चीज को सेंस कर लेता है वो आपके पास हो या दूर। ओके, तो इसमें एक और बहुत ही ज्यादा कूल फीचर मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ कि जैसे आप जब भी इंडिकेटर दोगे तो ये इस साइड का जो डीप व्यू होता है वो आपको देगा यहाँ पे, और ये इस तरफ का इंडिकेटर दिया तो इस तरफ का व्यू पूरा आपके पास है। यार अब इस प्राइस रेंज में भी आपको इतने सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं तो क्या ही है यार, एक्चुअली महिंद्रा ने तो इस बार क्लास तोड़ दिया, मतलब ख़त्म कर दिया वो क्लास में से। ये देखिए बार बार मुझे बोल रहे हैं कि आप अपना स्टेयरिंग पर हाथ रख लीजिए, बट हमें तो एडास का मज़ा ले रहे हैं तो हमें हाथ रखने का मन ही नहीं कर रहा, बट हम रख लेते हैं। तो गाइज हम फाइनली हमने XUV700 ऑटोमेटिक AXL लग्जरी इसके अभी हम लोगों ने टेस्ट ड्राइव ली कामरान भाई के साथ, और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बहुत ही पावरफुल गाड़ी है। तो भैया हम लोगों ने गाड़ी बुक कर दी है आप लोगों के साथ, तो आप ये बताइए हम लोग की गाड़ी आएगी कब तक? महिंद्रा की तरफ से आपको डिलीवरी दे रहे हैं। ओके, और अगर गाड़ी पहले आ जाती है जैसे आप बुकिंग करते हैं तो डिलीवरी टाइम आपका कम होता जाता है। ठीक है, तो मेरे जो मैंने फ़ोन नंबर आपको प्रोवाइड किया है तो आप उसी नंबर पे मेरे को सारे नंबर में उसी ईमेल आईडी पे आपको मैसेज आया। ओके, तो ये थे हमारे कामरान भाई विन विन शोरूम महिंद्रा से। तो भैया मिल के बहुत अच्छा लगा आपसे, मिलते रहेंगे। तो गाइज़ हम लोगों ने महिंद्रा भी अभी आपको XUV700 दिखाई और मैंने वहाँ पे अपनी बुकिंग डाल दी, अब देखते हैं यार मेरी गाड़ी कब आती है। वैसे तो इन लोगों ने मेरे को एक साल का बोला है, बट यार देखो उम्मीद हारनी नहीं चाहिए, इतनी अच्छी गाड़ी के बाद तो बाप रे बाप वेट ही नहीं हो रहा कि यार कब आए। इतने सारे फीचर्स आपको इस प्राइस लिस्ट में जो दे रहे हैं वो लोग, महिंद्रा ने इस बार सच में यार बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। XUV700 तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सीरियसली।